कैसे हैं आप सब लोग? एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं एंड होप आपकी अकाउंट्स और मैथ्स की रिवीजन सही चल रही है। एक्चुअली यही दो पेपर है जो आपको एकदम ऊपर उठा देंगे आपके मार्क्स को। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट ये टॉपिक ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। ये टॉपिक इंस्टीट्यूट 2 मार्क का हर एग्जाम में पूछता है एंड नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको गलत ही करके आते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन सही नहीं रहने से ये टॉपिक सही नहीं होगा। सबसे पहले एरर्स होते क्या है? एरर्स मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक मतलब गलती से कोई चीज़ लुकआउट हो गई, कोई चीज़ हमारे ध्यान से निकल गई, इसके कारण जो हमने मिस्टेक की उसको हम बोलते हैं एरर्स। एक और वर्ड होता है फ्रॉड। फ्रॉड होता है इंटेंशनल मिस्टेक, मतलब जिसने ये काम किया है उसे ये पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और वो जानबूझ के वो गलती करता है। तो फ्रॉड और एरर के बीच में यही डिफरेंस है। फ्रॉड इंटेंशनल होते हैं, एरर अनइंटेंशनल। इसीलिए एरर को खोजना सिंपल होता है, फ्रॉड को खोजना टफ होता है। आगे रेक्टिफिकेशन का क्या अर्थ है भैया? जब भी अकाउंट्स में एरर होते हैं ना, हम कभी भी उस एरर को ओवरराइट करके ठीक नहीं करते। मान लो एग्जांपल, राम से कैश रिसीव हुआ 500, हमने उसकी एंट्री कर दी कि श्याम से रिसीव हुआ, हमको एंट्री करनी थी कैश टू राम, हमने गलती से एंट्री कर दी कैश टू श्याम। अब जब रेक्टिफिकेशन करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इस श्याम को काटा, यहाँ पे टू राम लिख दिया और हो गया। ये कभी भी रेक्टिफिकेशन का तरीका नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब आपने कुछ और करना था, आपने गलती से कुछ और कर दिया, अब एक हम अलग एंट्री पास करेंगे जिसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं, जिसके थ्रू इन गलतियों का इफेक्ट नलीफाई करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कैश टू राम करना था कैश टू श्याम कर दिया, अब राम कैश को डेबिट करना था, कैश अभी भी डेबिट है, कैश में कुछ गलती नहीं है, राम को क्रेडिट करना था, हमने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो हमें राम अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और हमने श्याम को क्रेडिट कर दिया जबकि वो क्रेडिट होना नहीं चाहिए था, इसीलिए उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम श्याम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन। प्रॉब्लम क्या होता है, हम रेक्टिफिकेशन करते हैं रेक्टिफिकेशन की, इसीलिए हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। रेक्टिफिकेशन में ना खाली दिमाग चाहिए, आपको कुछ ना आए तो रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल है। अब ये रेक्टिफिकेशन एरर का, सर हमसे एक एरर हुआ, हम उसे कब रेक्टिफाई करें? जैसे ही आइडेंटिफाई होता है कि एरर हो गया, आप उस एरर को खोजते हो, एरर मिलते ही उसको रेक्टिफाई कर दो। कभी भी ईयर एंड तक वेट करने का ज़रूरी नहीं है। रेक्टिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमको एरर मिल जाता है, हमें एरर को लेकर ईयर एंड तक बैठे नहीं रहना है कि हम ईयर एंड में एक साथ रेक्टिफाई करेंगे। जैसे जैसे एरर मिलते जाता है वैसे वैसे हम उसको रेक्टिफाई करते जाएंगे। एरर कितने टाइप के होते हैं सर? क्या क्या एरर हो सकते हैं? 2 टाइप के मेन एरर होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है क्लरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब एक अकाउंटेंट गलती करता है अकाउंटिंग में, जो अकाउंटिंग की फंडामेंटल से रिलेटेड है, मतलब एकदम अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज की लैक के कारण जो गलतियां होती है, हम उन्हें प्रिंसिपल एरर बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने एक मोटरसाइकिल परचेज की बिजनेस के लिए 10,000 रुपए की, 10,000 छोड़िए 1,00,000 ले लेते हैं, 1,00,000 की मोटरसाइकिल परचेज की, हमने इस 1,00,000 की मोटरसाइकिल को कौन से अकाउंट में डालना चाहिए? मोटरसाइकिल अकाउंट में, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, हमने उसको ट्रैवलिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया।
एक फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसको हमने नॉर्मल ट्रैवलिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमने एंट्री कर दी ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, 1 लाख 1 लाख, जबकि करना चाहिए था मोटरसाइकिल टू बैंक। ऐसी गलती जो हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया, ये अकाउंट्स की बेसिक या फंडामेंटल मिस्टेक है। इस एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और सर क्या एग्जांपल हो सकते हैं, हमने सैलरी पेमेंट की टू क्लर्क और उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया 5,000। सैलरी जब पेमेंट करते हैं जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, हमने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, मतलब क्लर्क के नाम को डेबिट कर दिया, हमने कर दिया क्लर्क टू कैश। क्लर्क का नाम अगर रामू है तो रामू टू कैश, तो सैलरी टू कैश करना चाहिए था, हमने कर दिया रामू टू कैश। ये जो गलती है ये फंडामेंटल मिस्टेक है, एक एक्सपेंस को एक पर्सनल अकाउंट में डाल देना, नॉमिनल अकाउंट को ट्रीट कर लेना एज अ पर्सनल अकाउंट, ये जो गलतियां हैं इन्हें हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लेना, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लेना, या नॉमिनल पर्सनल रियल अकाउंट में गलतियां करना, इन्हें हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा पार्ट है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर मेन 3 टाइप का होता है, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए लिखना, ओमिशन मतलब भूल जाना छूट जाना, एरर ऑफ कमीशन, हमने लिखा तो है बट गलत तरीके से लिख दिया, या कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर। 3 टाइप के एरर होते हैं क्लरिकल एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन या कंपेंसेटिंग एरर। अब एरर ऑफ ओमिशन 2 टाइप का, कंप्लीट ओमिशन पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब हमने या तो पूरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखा, पूरा ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं लिखा, या पूरा ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट नहीं किया, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। मतलब वहां जहां डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं दिया गया अकाउंटिंग में, उसे बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब एक इफेक्ट या तो डेबिट या क्रेडिट हमने अकाउंट्स में दे दिया पर दूसरा इफेक्ट अभी तक अकाउंट्स में दिया नहीं गया है। अगर कंप्लीट ओमिशन होता है मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बोथ ओमिटेड, यहां पे डेबिट और क्रेडिट कोई एक ओमिटेड हो गया। अगर कंप्लीट ओमिशन का केस है तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री करेगा। अगर पार्शियल ओमिशन का केस है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, विल नॉट एग्री। ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है, बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा। पहले बताइए इतनी बात ठीक है सर, सर ये प्रिंसिपल वाले एरर में आपने नहीं बताया, यहाँ पे हमको डेबिट करना चाहिए था कुछ और, हमने डेबिट कर दिया कुछ और, बट ये बताइए क्या हमने डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो किया? फॉलो किया। अगर डेबिट और क्रेडिट हमने किया है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एरर में ट्रायल बैलेंस विल टैली। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है सर? अगर आप कोई अकाउंटिंग करते समय रॉन्ग अकाउंट में डाल देते हो, या रॉन्ग अमाउंट से डाल देते हो, या रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, या फिर आप कास्टिंग या टोटलिंग की गलतियां करते हो, ये सारी जो गलतियां होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। जैसे एग्जांपल हमारा पहला वाला, कैश रिसीव हुआ राम से, उसको हमने डाल दिया श्याम अकाउंट में, तो अगर कैश राम से रिसीव हुआ तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश टू राम, हमने कर दिया कैश टू श्याम, तो क्या हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग की? हाँ सर, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग की, तो एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट से कैश रिसीव हुआ राम से 5,000, हमने उसके अकाउंट में पोस्ट किया 500, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन।
रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, कैश टू राम करना था, कैश में तो टू राम किया बट राम में गलती से टू कैश लिख दिया हमने, राम में क्रेडिट करना था बाई कैश, हमने गलती से टू कैश कर दिया। और लास्ट, आपने कैश बुक को अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर रखा है, परचेज बुक को अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर रखा है, ये सारी जो गलतियां होती है इन्हें हम बोलते हैं एरर ऑफ कंडीशन। सर इसमें ट्रायल बैलेंस, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जैसे कैश टू राम की जगह कैश टू श्याम किया बट क्या डेबिट और क्रेडिट रूल फॉलोड, यस ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। कैश टू राम लिखना था 5000, हमने कैश टू राम किया 500 500, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा बट कैश में लिखा 5000 राम में लिखा 500 अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो एरर ऑफ कमीशन में ट्रायल बैलेंस मे टैली और मे नॉट टैली। कंपेंसेटिंग एरर मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एरर्स, ऐसा एरर जिसका इफेक्ट, जिसके इफेक्ट के कारण कोई दूसरा एरर अपने आप कंपेंसेट हो गया, मतलब हमने पहले कुछ एरर कर रखे थे अब एक नया एरर किया एंड इस एरर का इफेक्ट अगर पुराने एरर्स के साथ देखा जाए तो सारे एरर कंपेंसेट हो गए, मतलब अब कोई गलती बची ही नहीं। हमें करना था कैश टू राम 500, हमने लिखा कैश टू राम 50 50, मतलब 500 में 450 कम लिखा। अब हमने शाम को पेमेंट किया 1000, अब उस 1000 लिखने की जगह हमने पेमेंट दिखा दिया 550, तो 450 जो मिला वो कम लिखा, 450 जो पे किया वो कम लिखा, तो नेट में सारे इफेक्ट क्या हो गए, नलीफाई हो गए। इनको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। अगर सारे इफेक्ट नलीफाई हो गए तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। तो प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, कमीशन में ट्रायल बैलेंस एग्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंपेंसेटिंग में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर इज कि सर रेक्टिफिकेशन हमें करना कैसे है, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कैसे डाली जाती है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेक्टिफिकेशन के स्टेज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आप रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हो उस हिसाब से एंट्री डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन होगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि एंट्री क्या जाएगी। ठीक है, अब मैं एक एक के साथ स्टार्ट करता हूं। आफ्टर अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस है, मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है मतलब सस्पेंस की उत्पत्ति या सस्पेंस का जन्म अभी तक नहीं हुआ है। यहां पे दो टाइप के एरर हो सकते हैं, सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मतलब वो एरर जिसका रेक्टिफिकेशन इफेक्ट कोई एक ही साइड पर होगा, मतलब वो डेबिट और क्रेडिट को इक्वली इफेक्ट नहीं करेगा, वो डेबिट और क्रेडिट को अनइक्वली इफेक्ट करेगा। ऐसा एरर जिसका रेक्टिफिकेशन जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट को अनइक्वली इफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। ऐसा एरर जिसका रेक्टिफिकेशन दोनों डेबिट और क्रेडिट को इक्वली इफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं, कैश रिसीव हुआ राम से 500 रुपए, तो हमें जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश टू राम 500 500, ये थी करेक्ट एंट्री। हमने किया क्या, हमने गलती क्या की, हमने कैश में लिखा 500 बट जब राम में पोस्ट करने गए हमने वहां 50 पोस्ट किया, तो यहां पे गलती सिर्फ राम में है और रेक्टिफिकेशन करना है अगर तो आपको राम को क्रेडिट करना है 450 से, राम को क्रेडिट करना था 500 से, आपने क्रेडिट किया 50 से, तो जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो राम को कितना से क्रेडिट करना है 450 से।
ये क्या सिर्फ एक साइड को इफेक्ट कर रहा है? हाँ, इसे हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और सिंगल साइडेड एरर है तो हम उसे डायरेक्टली लेजर अकाउंट में रेक्टिफाई करते हैं बाय गिविंग अ नोट। डायरेक्टली लेजर अकाउंट में रेक्टिफाई करते हैं बाय गिविंग अ नोट। हम राम के अकाउंट में सीधा एक नोट देंगे बाय अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड शॉर्ट बाय 450, तो अपने आप सारी चीज सही हो जाएगी। अगर डबल साइडेड एरर है, जैसे एग्जांपल कैश टू राम लिखना था 500, हमने गलती से लिख दिया कैश टू राम 50-50, तो क्या अब दोनों साइड हमने गलत लिखे? हाँ सर, अगर सही करना है तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा और 450 से, राम को क्रेडिट करना पड़ेगा और 450 से, तो जर्नल एंट्री होगी कैश टू राम 450 450। तो ये नॉर्मल जर्नल से रेक्टिफाई हो गई, तो हम जर्नल एंट्री करके इसको रेक्टिफाई कर देंगे। पहले बताइए, ये दो बेसिक बातें एकदम आपको क्लियर है? हमको इसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो बात आपको समझ में आई? अब सारे पार्ट सिंपल है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस है तो भी दो बातें हो सकती है, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। अगर सिंगल साइडेड एरर है मतलब पक्का ट्रायल बैलेंस इसके कारण टैली नहीं कर रहा होगा, मतलब इसके कारण सस्पेंस का जन्म हुआ होगा, तब जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। जैसे ये वाला एग्जांपल, अगर ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का केस होता तो हम जर्नल एंट्री कर देते सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 450 450। अगर डबल साइडेड एरर है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री से हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही एक रेक्टिफिकेशन यहाँ भी हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स मतलब नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करेंगे, फिर से दो केस, सिंगल साइडेड एरर फिर से दो केस, सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर। अगर सिंगल साइडेड एरर है तो फिर हम सस्पेंस यूज करके इसको रेक्टिफाई करेंगे, डबल साइडेड एरर है तो फिर से नॉर्मल जर्नल एंट्री जाएगी। तो सर क्या केस टू और केस थ्री सेम है? हाँ, एकदम डिट्टो सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर में जाके इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का पीएल, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो इसके कारण इफेक्टेड है। इसीलिए जहाँ जहाँ नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे या फिर जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी चीज आएगी जो प्रॉफिट को इफेक्ट करे, हम उसकी जगह वर्ड यूज कर लेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां जहां भी नॉमिनल अकाउंट आएगा या जहां जहां भी कोई ऐसी चीज आएगी रेक्टिफिकेशन में जो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करे, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले बताइए, ये तीनों केस आपको एकदम धीरे धीरे क्लियर है? ये केस आपको एकदम इजी लगेंगे, बस इतना, इतनी शपथ ले लो, इतनी कसम खा लो कि जब भी रेक्टिफिकेशन का हम सम करेंगे एग्जाम में, हम कभी भी डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन नहीं सोचेंगे, हम हमेशा सबसे पहले लिखेंगे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री मतलब गलती क्या हुई है, एंड उसके बाद रेक्टिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। रेक्टिफिकेशन को प्लीज रेक्टिफिकेशन मत कीजिएगा, नहीं तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, और जो इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस पे पूछता आया है इतने सालों में। एग्जाम्पल है, बैड डेट रिकवर हुआ 10,000 का, उसको हमने डेटर अकाउंट में डाल दिया, अगर मैं बोलूं बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री, सर बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट
रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी 10,000, 10,000। उन्होंने बैड डेट रिकवरी को कहाँ डाल दिया, डेटर में, तो उन्होंने एंट्री कर दी कैश टू डेटर 10,000, 10,000। अब रेक्टिफिकेशन सोचो, देखो कितना सिंपल है, कैश में कोई गलती नहीं है, बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट होना चाहिए था बट हमने किया नहीं, तो उसको क्रेडिट कर दो टू बैड डेट रिकवरी। और डेटर जो फालतू का क्रेडिट हो गया, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए डेटर को डेबिट कर दो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी 10,000, 10,000। होप यू गॉट माई पॉइंट, मैंने क्या बोलने की आपको कोशिश की ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब लास्ट बार इन रेक्टिफिकेशन, पहली बात तो ये याद रखनी है कि कौन कौन से टाइप के एरर है, दूसरी बात जब भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे ये वाला फंडा पक्का यूज कर लेना, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रेक्टिफिकेशन रिलेटेड टू सब्सिडियरी बुक्स यानी जर्नल डे बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड ऑल, ये जो रेक्टिफिकेशन आता है ना सब्सिडियरी बुक का, 90% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। मैं इसको फटाफट समराइज कर रहा हूँ, आपको इसको याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, सब्सिडियरी बुक की लेजर पोस्टिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। सब्सिडियरी बुक की लेजर पोस्टिंग होती है डेटर, मान लो मैं परचेज अकाउंट की बात करूँ, परचेज अकाउंट की जर्नल एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर्स, ये परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में जाएगा भाई परचेज। नॉर्मल तो यही पोस्टिंग होती है, बट जब हम सब्सिडियरी बुक बनाते हैं हम ऐसी पोस्टिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्रेडिटर का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मैं परचेज की बात कर रहा हूँ अभी, और टोटल जो परचेज का है, पीरियोडिक टोटल, जो पूरी परचेज डे बुक का टोटल है, उसको एक बार में परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं डेबिट साइड में। तो इतना सा ही फर्क है। अब आप सोचिए रेक्टिफिकेशन के टाइम अगर गलती इंडिविजुअल एंट्री में है तो क्या क्रेडिटर इफेक्ट होगा? हाँ सर होगा। और अगर उसके कारण टोटल भी गलत है तो क्या परचेज भी इफेक्ट होगा? हाँ सर होगा। बट मानिए गलती सिर्फ टोटल में है, मतलब इंडिविजुअल एंट्री ठीक की, टोटलिंग के टाइम हमने कुछ गलती कर दी, अगर टोटल में गलती है तो क्या क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो तो इंडिविजुअली पोस्ट हो चुका है, गलती सिर्फ कहाँ है, परचेज अकाउंट में। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। अब कैसे केसेस आ सकते हैं, अगर हमने सब्सिडियरी बुक में एंट्री ही नहीं की, एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक, जब हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की जर्नल में तो लेजर पोस्टिंग की बात ही नहीं आती, तो हमें फुल एंट्री फिर से करनी पड़ेगी। जैसे क्रेडिट परचेज की एंट्री मिस कर गए तो अब आप एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंड उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, हमने सब्सिडियरी बुक की जो टोटल है वो गलत की है, रॉन्ग टोटलिंग किया है। अगर टोटल गलत है क्या टोटल क्रेडिटर डेटर अकाउंट को इफेक्ट करता है? नहीं सर, टोटल सिर्फ मेन अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो हम सिर्फ इफेक्ट देंगे, इफेक्ट्स द मेन अकाउंट, दैट इज परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा। नंबर नेक्स्ट हमने इंडिविजुअल एंट्री में गलती की है, इंडिविजुअल एंट्री रॉन्गली रिकॉर्डेड बट टोटल इज करेक्ट। इंडिविजुअल एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम कुछ गलती की बट टोटल एकदम करेक्ट रिकॉर्ड किया, जैसे क्रेडिटर से परचेज हुआ 500, हमने परचेज डे बुक भी सही लिखा 500 तो टोटल सही आएगा, बट जब क्रेडिटर में पोस्ट करने गए हमने वहां पोस्ट कर दिया 50, तो गलती सिर्फ इंडिविजुअल अमाउंट में है, तो इट विल इफेक्ट ओनली पर्सनल, दैट इज क्रेडिटर या डेटर का अकाउंट, ओनली पर्सनल, दैट इज क्रेडिटर या डेटर का अकाउंट। अगर गलती इंडिविजुअल एंट्री में है एंड इट इफेक्ट्स टोटल ऑल्सो, जैसे
500 का परचेज था, हमने 50 लिखा, तो इंडिविजुअल एंट्री में भी गलती और टोटल में भी अपने आप गलती आएगा। तो अपने को इफेक्ट देना है, इफेक्ट बोथ पर्सनल एंड मेन अकाउंट, मतलब क्रेडिटर भी इफेक्टेड रहेगा और परचेज भी इफेक्टेड रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज नॉट पोस्टेड, हमने सैलरी पे की उसको पोस्टिंग नहीं किया, तो अगर सैलरी पे नहीं पे की है तो कैश इफेक्टेड है। अगर कैश इफेक्टेड है तो कैश बुक में हमने एंट्री कर ली, कैश बुक में हमने एंट्री कर ली, अगर कैश में एंट्री कर ली तो क्या कैश अकाउंट में अपने आप एंट्री चली गई? यस सर, कैश बुक ही कैश अकाउंट होती है। तो अगर कैश बुक में एंट्री कर ली मतलब कैश अकाउंट ठीक है, तब जब आप ठीक करो कैश को इफेक्ट मत देना, सिर्फ सैलरी को इफेक्ट देना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर डबल अगर वो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो टू सस्पेंस, बिफोर प्रिपरेशन है तो डायरेक्ट सैलरी अकाउंट जाके नोट, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो क्योंकि सैलरी प्रॉफिट को अफेक्ट करता है हम एंट्री कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच।